मुझे गुस्सा मत दिलाओ। बहुत सारे लोग बोलते हैं, जानते हो वो लोग कैसे होते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, छोटी सी एग्जांपल। जब आप कहीं पर नौकरी करते हो, आपका सीनियर भी होते होंगे, आपने कुछ गलती किया और आपका बॉस ने आपको केबिन पर बुलाया, वहाँ पर उनका मर्जी जो आए उनकी माउथ पर आपको उन्होंने बक दिया। अब बस क्या करते रहते हो, यस सर यस सर यस सर करके चले जाते हो और अपनी काम करते हो। उस समय आपको गुस्सा नहीं आया। क्यों नहीं आया? आप जानते हो अगर आप गुस्सा करोगे तो आपकी नौकरी जाने वाली है, गारंटी। इंसान जानता है गुस्सा कहाँ पर करना चाहिए। अगर इसी चीज़ को मैं एक दूसरी प्लेटफॉर्म लेके चलूँ, आप कहीं पर घूमने गए हो किसी ऑनलाइन प्लेस पर जहाँ पर आपका जान पहचान नहीं है, आप पर किसी ने आकर कुछ बोल दिया। अगर आप जानते हो मैं दूसरे शहर पर हूँ, यहाँ मैं कुछ बोलता हूँ तो कस के कोई थप्पड़ मुझे लगाने वाला है, तो आपका गुस्सा वहां पर भी नहीं आएगा। गुस्सा कहाँ पर आएगा? आप घर में आए हो, जानते हो घर वाले हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, चाहे जो चाहे मर्जी बोल दो, तब आपको गुस्सा आता है। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी इंसान को गुस्सा नहीं आता है, वो जानबूझकर गुस्सा करता है। दिस इज द रियल फैक्ट। किसी भी इंसान को गुस्सा नहीं आता है, वो जानबूझकर गुस्सा करता है। वो सोचता है कि मैं अगर जोर से बोलूं या चिल्ला कर बोलूं, सामने वाला दब जाएगा। अगर सामने वाला की बात में सच्चाई है तो वो दबने वाला नहीं है। तुम जो भी चिल्ला लो, जो भी बोल लो, सच्चाई यही है मेरी दोस्त। गुस्सा जिंदगी में किसी को नहीं आता है, गुस्सा करते हैं लोग। गुस्सा क्या टॉयलेट है आता है या पिसाब है आता है? गुस्सा लोग करते हैं जानबूझकर। अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए लोग गुस्सा करते हैं। द फैक्ट इज दैट लोग अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए गुस्सा करते हैं। जब उनका बस कहीं पर नहीं चलता है, वो गुस्सा करते हैं। क्योंकि गुस्सा आता नहीं है, क्योंकि गुस्सा कोई टॉयलेट नहीं है ना कोई पेशाब है, इसीलिए लोग जानबूझकर गुस्सा करते हैं। किसी को गुस्सा आता नहीं है। मैंने आपको दो टाइप का एग्जाम्पल दिया, आप उसमें समझ जाओगे। लोग जानबूझकर गुस्सा करते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, चैनल को मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।